हेलो ट्रेडर्स, होप आप सबके ट्रेड आज अच्छे रहे होंगे और आप सबका दिन अच्छा गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मार्केट ने आज पूरा दिन कैसे बिहेव किया। तो इसके लिए हम आ गए हैं निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर। जैसा कि आज निफ्टी 50 जो है वो गैप अप ओपन हुआ था, अराउंड ओपन हुआ था 22,610 के आसपास इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, और उसके बाद मार्केट इस जोन में पूरा टाइम कंसोलिडेट होता है। और जैसा कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था तो हम यहाँ पे फिबो अप्लाई करते, और उसके बाद जो है मार्केट ने 10 AM की कैंडल ने नीचे के साइड क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पे हमारा सेटअप बनता था और हमारी एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है काफ़ी बड़ी फॉर्म हुई थी, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिस्क बन रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, क्योंकि ये कैंडल आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी बड़ी है। ये ऑलमोस्ट 37.40 पॉइंट्स का है, तो यहाँ पे एसएल काफ़ी बड़ा बनता तो इस पॉइंट पे एंट्री नहीं बनती थी। और उसके बाद मार्केट जो है आप देख सकते हैं कि एक और नेक्स्ट कैंडल का मूव देता है, जबकि अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों कैंडल का तो ये कैंडल जो है छोटी फॉर्म हुई थी, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे नहीं बन रहा था। बात करें उसके बाद की कोई दूसरा सेटअप, तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से मार्केट ने एक रिवर्सल लेने की कोशिश की थी बट नहीं ले पाया, और वापस से सेम पॉइंट से मार्केट रिवर्सल ले रही थी, तो यहाँ पे हमें एक डब्लू पैटर्न नोटिस हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं ऐसा करके ऐसे। तो हमने जो है 11:20 की कैंडल पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, और जिसमें हमने हमारा एसएल रखा था इस कैंडल के क्लोजिंग के लो तक का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था, और हमारा जो एसएल था वो इस पॉइंट का था, अराउंड 20 पॉइंट्स का हमारा एसएल बन रहा था। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मार्केट काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है, हालांकि मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन लिया और उसके बाद भी ऐसे ऐसे कैंडल्स फॉर्म कर रही थी, तो ये श्योरिटी हो रही थी कि उतना अच्छा मूव नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जो ये 11:50 की कैंडल है, इसने जैसे ही लो क्रिएट किया हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। इसमें हमने थोड़ा ही बहुत लॉस हुआ था, 200-300 रुपये का लॉस हुआ था। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट नीचे के साइड मोमेंटम देती है, और यहाँ पे उतना खास मोमेंटम नहीं आया, बट उसके बाद की जो कैंडल फॉर्म हुई थी जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी जो कैंडल है यहाँ पे बड़ा शार्प मूव आया था। और उसके बाद अगर बात करें कोई दूसरे सेटअप की, तो निफ्टी 50 में इसके बाद कोई सेटअप नहीं बना था और मार्केट ने क्लोजिंग दी अराउंड 22,449 के आसपास। तो बात करें आज निफ्टी 50 में टोटल कितने सेटअप्स बने थे, तो हमारे सेटअप के हिसाब से आज निफ्टी 50 में 2 सेटअप्स बने थे, जिसमें से हमने सेकेंड वाले सेटअप में एंट्री ली थी बट वो हमारे फेवर में नहीं आया, जिसमें हमें एक छोटा सा लॉस हुआ था। तो बात करें कि कल जैसे कि मार्केट अब मंडे को कैसा बिहेव कर सकती है, तो अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट हुई है, और मार्केट ने यहाँ से आप देख सकते हैं रिजेक्शन लेके वापस से इस पॉइंट पे आ गई है और क्लोजिंग दी है 22,450 के आसपास। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कि मार्केट जो है मंडे को वो हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो सकती है, और या तो फ्लैट ओपन हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट इस जोन में जो है फिर से कंसोलिडेशन कर सकती है। जो ये पूरा जोन है, ये जोन है अराउंड 22,459 से लेके 22,390 के बीच में। तो ये तो हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए एक बार डे टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो इसके लिए हम आ गए हैं अपने डे टाइम फ्रेम पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी, और उसके बाद अब ये है इसके इस कैंडल के हाई से रिजेक्शन लेके नीचे के साइड इसने क्लोजिंग दी है। तो हालांकि जो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मार्केट का सपोर्ट है, जो कि लेवल है अराउंड 22,300 के आसपास, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 22,416 के आसपास दी है। तो अगर डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी जो है वो कंसोलिडेट कर सकती है और थोड़ा बेयरिश रह सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे भी मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया है इस जोन में। और ये जो 4 तारीख की 4 अप्रैल की कैंडल है, इसने यहाँ तक का लो क्रिएट किया है, 22,312 तक का लो क्रिएट किया। और उसके बाद इसकी क्लोजिंग बट हालांकि काफ़ी ऊपर हुई है, जो कि इसकी क्लोजिंग हुई थी 22,505 के आसपास। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है इसी सेम जोन में ही रहेगा और हल्का फुल्का बेरिश और बुलिश रह सकता है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि मार्केट ने बैंक निफ्टी में आज कैसा बिहेव किया था। तो इसके लिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी में, और पहले हम 5 मिनट टाइम फ्रेम के पे देख लेते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो है निफ्टी बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था अराउंड 48,662 के आसपास। और इसके बाद मार्केट ने एक लो भी क्रिएट करता है जो कि रहता है अराउंड 48,470 का, और मार्केट वापस से सेम पॉइंट से रिजेक्शन लेता है और एक नीचे के साइड मोमेंटम देता है। बात करें यहाँ पे कोई सेटअप की, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई सेटअप का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता बट जो है कि ब्रेकआउट नहीं मिला था। और जैसा कि देखे कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था बट ऊपर के साइड क्लोजिंग नहीं दी थी, तो ये सेटअप तो हो गया फेल इनसाइड कैंडल का। और उसके बाद आप जैसे कि अगर ये डाउनवर्ड के लिए भी अगर आप इसे कंसिडर करते, जबकि कंसिडर नहीं करना चाहिए, अगर इसे आप डाउनवर्ड के लिए भी कंसिडर करते और इसने क्लोजिंग दी, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट जो है वो पूरा साइडवेज हो गई है। मार्केट में कोई भी नीचे के साइड मोमेंटम नहीं आया है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद मार्केट वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन देती है 125 की कैंडल, और उसके बाद मार्केट अपने नेक्स्ट जो है सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करती है जो कि है 48,236 का। और फाइनली मार्केट इसको ब्रेक करके और वापस से इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देती है 48,290 के आसपास। तो बात करें ओवरऑल ट्रेड की, तो ओवरऑल निफ्टी में बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना था बट वो उतना अच्छा सेटअप नहीं फॉर्म हुआ था, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में एक भी सेटअप का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। बात करें इम्पोर्टेंस लेवल्स की मंडे के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा मंडे के लिए वो रहेगा 48,254 का लेवल, और ऊपर के साइड के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 48,600 रहेगा। और नीचे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है मंडे को, तो जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 47,957 का। तो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो मंडे को हल्का फुल्का गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और इस कंसोलिडेटेड जोन में क्लोजिंग दी है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन ली है तो हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो सकती है या इस सेम जोन में ओपन हो सकती है। ये तो हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। चलिए एक बार डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसने आज रिटेस्टिंग की है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल से ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम सपोर्ट लिए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर बात करें तो 48,086 के आसपास जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को जल्दी ब्रेक नहीं करेगी नीचे के साइड। और अगर मार्केट इस लेवल को नीचे के साइड ब्रेक करती है तो अब हम एक और अच्छा बेरिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और अगर बात करें ऊपर के लेवल की, तो जब तक मार्केट 48,640 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है ऊपर के साइड, तब तक कोई अच्छा बुलिश मोमेंटम हम नहीं देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर कैंडल के हिसाब से देखें तो डे टाइम में तो जो है वो मार्केट हल्का फुल्का बेरिश ओपन हो सकती है।
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं मंडे को ट्रेड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट अस प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.finistarevenue.com एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।